जी, तो आज का हमारा सेशन है अबाउट पीपीसी। पीपीसी बेसिकली मुखफ्फफ है पे पर क्लिक का। पीपीसी और पे पर क्लिक का टाइप ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। वैसे तो ये ब्रॉड टर्म है, जबकि अमेजोन पे इसको हम कंपेन्स कहते हैं पे पर क्लिक को। और ये गूगल का, गूगल में भी यूज होता है पे पर क्लिक, यानी कि आप देख रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह जो है ना ये पे पर क्लिक लाइव जो है टर्म यूज होती है। यानी कि अगर हम फेसबुक पे देखें तो फेसबुक ऐड पे अगर हम क्लिक करते हैं तब पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं सेम उसी तरह अगर हम गूगल ऐड पे देख रहे हैं उसका भी पे होता है, पे करना पड़ता है जिसने भी ऐड लगाया हो, और इसी तरह बाकी जो है ना प्लेटफॉर्म पे। तो जो अमेजोन पे होता है वो कंपेन मैनेजर होता है, कंपेन्स चलती हैं उस पे। तो उसके अलावा भी हैं, वाइन प्रोग्राम भी है, प्रमोशंस भी हैं, बट मेनली जो है ना इसको हम तशबीह देते हैं लाइक कंपेन्स के साथ। तो अब हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इसका, उसके बाद फिर हम इसको सेलर सेंटर पे देखते हैं। तो पीपीसी और पे पर क्लिक इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग विच इन्वॉल्व एडवर्टाइजर्स पेइंग अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक्ड। ठीक है, सिंपली यू ओनली पे फॉर एडवर्टाइजिंग इफ योर एड इज एक्चुअली क्लिक्ड ऑन। ठीक, तो सिर्फ आपने तब पे करना होता है। हर जो है ना वो प्लेटफॉर्म का एक अपना मेथड होता है, रैंकिंग मेथड, और उसको हम पीपीसी भी कहते हैं लाइक पे पर क्लिक भी। और उसके अपने इंप्रेशन, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि इंप्रेशन पे भी काउंट करते हैं एक माइनर सी मनी, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जिन पे क्लिक किया जाए तभी वो जो है वो चार्ज करते हैं। फर्दर मोर पीपीसी विच स्टैंड फॉर पे पर क्लिक इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल विच एडवर्टाइज रन एड्स ऑन प्लेटफॉर्म सच एज गूगल एड्स एंड पे अ फी एवरी टाइम सम वन क्लिक्स ऑन इट। रन ऑलमोस्ट एनी सर्च ऑन गूगल फॉर बींग एंड यू विल सी एड डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। मोस्टली ये होता है कि इंस्टाग्राम पे जो है ना वो कोई इस तरह का एड आता है, या फेसबुक पे लाइक कोई गेम से रेलिवेंट, तो हमें वो गेम बड़ी पसंद आती है, या अगर हमें कोई एक लेट्स सपोज कोई इस तरह की कोई वीडियो चल रही होती है किसी चीज से रेलिवेंट, तो हमें बड़ी पसंद आती है और वो हम उसको और देखना चाहते हैं लाइक, तो हम उस पर जब जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली वो एड चल रहा होता है, प्रमोशन चल रही होती है। तो वो उस क्लिक का जो है ना वो जिसने जिस कंपनी या जिस पर्सन का भी वो होता है जिसने ऐड चलाया वो, तो उसको जो है उस पर पे करना पड़ता है, वो उसकी पेमेंट डिफरेंट होती है। जरूरी है कि हर क्लिक की एक जो है ना वो टारगेटेड पेमेंट हो, एक ही फिक्स पेमेंट हो, जबकि हर क्लिक की डिफरेंट भी होती है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे वैरी करता है। अच्छा, अब पीपीसी का जो वीए है वो क्या काम करता है उसको हम देख लेते हैं। पीपीसी स्पेशलिस्ट हैंडल ऑल डे टू डे ऑपरेशन एंड टास्क फॉर योर स्पॉन्सर प्रोडक्ट कंपेन्स और अमेजोन। पीपीसी जो स्पेशलिस्ट है, यानी कि कंपेन्स का जो स्पेशलिस्ट है ऑन अमेजोन, जब हम अब सिर्फ अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो वो दिन के तमाम ऑपरेशंस मैनेज करता है जो कि कंपेन्स के अंदर होते हैं, और जो आपने ऑलरेडी चलाए होते हैं या न्यू चलाने वाली स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती हैं कंपेन्स, उनको जो है ना वो देखता है, उनको मैनेज करता है। विदाउट यू हैविंग टू वरी अबाउट द टेक्निकल साइड ऑफ योर पीपीसी एक्टिविटीज, यू विल हैव मोर टाइम टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प स्केल योर बिजनेस। तो ये एक सजेशन भी लाइक दी हुई है कि पीपीसी पे आप जो डिपेंड कर रहे होते हैं पीपीसी एक्टिविटीज पे, उसमें भी टाइम लगाएं, बट उससे ज्यादा है कि आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं, एक्सटर्नल ट्रैफिक गेन करें या बाकी सोर्सेज से जो है ना ट्रैफिक गेन करें। एन अमेज़न पीपीसी विजुअल असिस्टेंट इज वन काइंड ऑफ पीपीसी एक्सपर्ट अमेज़न सेलर और वेंडर्स कैन हायर। एन अमेज़न पीपीसी असिस्टेंट कैन टेक योर डेली बजट फॉर योर एडवर्टाइजिंग कंपेन एंड क्रिएट वेल थॉट आउट कंपेन दैट कैन इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एफिशिएंसी। तो बेसिकली इसमें ये भी बताया हुआ है कि जो पीपीसी मैनेज कर रहा होता है वर्चुअल असिस्टेंट जो वीए होता है, वो काइंड ऑफ पीपीसी एक्सपर्ट होता है अमेज़न सेलर जो कि कोई भी वेंडर या जो कोई भी क्लाइंट है उसको जब हायर करता है, या आप जो है ना एज ए वेंडर जो है ना उसको हायर करते हैं, या उसको एज ए वेंडर चूज करते हैं आप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पीपीसी को जो है ना वो हम इसके इसको हम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आपने देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपीसी कंपेन दैट वी क्रिएट ऑन अमेज़न लाइक ऑटो टारगेटिंग एंड मैनुअल टारगेटिंग, ऑटो टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। बेसिकली दो टाइप ऑफ टारगेटिंग होती है, टू टाइप ऑफ टारगेटिंग, मैनुअल और ऑटो। ऑटो में क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली और उसके अंदर आपने उसका मेथड सेलेक्ट कर लिया कि हमने किस मेथड के तहत जाना है, यानी कि कीवर्ड टारगेटिंग में जाना है या प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाना है। तो आपने ऑटो कंपेन चला दी, तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को देखते हुए खुद ब खुद ही जो है ना वो कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है ना आपके प्रोडक्ट को शो करवाएगा।
तो वो बेसिकली आपको क्या कहलाएगा, ऑटो कंपेनिंग कहलाएगा, ऑटो टारगेटिंग कहलाएगा। मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है कि आपने कीवर्ड या प्रोडक्ट आपने खुद प्रोवाइड करना होता है, प्रोडक्ट में एसएम प्रोवाइड करना होता है, और जबकि मैनुअल टारगेटिंग के कीवर्ड्स के अंदर आपने कीवर्ड प्रोवाइड करने होते हैं, और उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो अमेजोन आपको बिडिंग वगैरह देता है और जो है उसको रैंक करवाता है। अच्छा, मैनुअल टारगेटिंग के आगे 3 टाइप्स होती हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं पहले। ब्रॉड क्या क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, एग्जैक्ट क्या होती है। बेसिकली तो ब्रॉड जो है वो अपने नाम से वाजे है कि ये ब्रॉड टर्म टाइप वर्ड है। बेसिकली ब्रॉड मैच इज अ कीवर्ड मैच टाइप दैट सर्च इंजन्स यूज टू डिटरमाइन व्हिच सर्च टर्म योर एड्स आर एलिजिबल टू मैच अगेंस्ट। लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ वर्ड कप लिखता हूँ तो, और उसको मैं अगर ब्रॉड पे चलाता हूँ तो बेसिकली वो क्या होगा कि वो ब्रॉड टर्म पे चलेगा, उससे रेलिवेंट ब्रॉड कीवर्ड्स आएंगे। लाइक कोई करता है प्लास्टिक कप, तब वो मेरी प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा या जितनी भी बिडिंग होगी अगेंस्ट उसके। और अगर लेट्स सपोज कोई कहता है कॉफी कप, तब भी दिखाएगा क्योंकि ब्रॉड में यूज कर रहे हैं हम। लेट्स सपोज अगर कोई कहता है कप ऑफ कॉफी, तब भी वो दिखाएगा। ठीक है, या कहते हैं कप ऑफ प्लास्टिक, कप ऑफ पोर्सलेन, कप ऑफ मिरर, सॉरी कप ऑफ इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइक सिलिकॉन कप, ये इस तरह का को कोई भी मटेरियल है लाइक, तो वो क्या होगा, वो उसमें ब्रॉड में आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि आगे बताया हुआ है, इट्स कॉल्ड ब्रॉड बिकॉज इट अलाउज योर एड टू मैच द वाइडेस्ट रेंज ऑफ पॉसिबल कीवर्ड सर्चेस दैट आर स्टिल समवट रिलेटेड टू योर कीवर्ड, यानी कि उससे रेलिवेंट जितने भी होंगे ब्रॉड टर्म के अंदर वो उसको शो करा देगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि कोई वर्ड टाइप करता है कि स्मॉल प्लास्टिक नॉन ब्रेकेबल कप। ठीक है, स्मॉल प्लास्टिक नॉन ब्रेकेबल कप। ठीक है, तो आप ये देखिए तो उसके अंदर क्योंकि वो ब्रॉड टर्म है, रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट है, आवर कीवर्ड है जो कि हमने टारगेट किया हुआ ब्रॉड कंपेन के अंदर, तो वो उसके साथ उसको मैच कराएगा और जितनी भी हमारी उसके अगेंस्ट बिडिंग होगी तो वो जो है ना हमारी प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फ्रेज। फ्रेज में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने वर्ड चूज किया हुआ है तो वो उस वर्ड उस फ्रेज के अंदर आता हो जो कि किसी भी बायर ने सर्च किया है। लेट्स सपोज Amazon will also show your ad when someone searches for close variation of that exact keyword. Close variation में पहले था broad, widest range थी, अब ये close keyword में आ जाता है, और with additional words before or after it, या इसके आगे या पीछे कोई keyword लगाया हो। Let's suppose हम कहते हैं किसी ने सर्च किया प्लास्टिक कप और हमने कंपेन चलाई हुई है फ्रेज में कप की, तो हमारा प्रोडक्ट वो गेट कर लेगा, या जिस भी उस कीवर्ड के अंदर जो भी हमारी बिडिंग होगी उस पे वो गेट कर लेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई कहता है कप कॉफी, ठीक है, तो कप पहले लेता है, हमने कप पे फ्रेज चलाया हुआ है फ्रेज में फ्रेज कंपेन में, तो वो कप कीवर्ड और हमारी जो प्रोडक्ट है उस कीवर्ड के अगेंस्ट वो हमारी उसमें जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जैसे कि हम यूज करते हैं फ्रेजिंग के अंदर, जब अगर हमारा कीवर्ड आएगा तो वो उसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो यूजिंग फ्रेज मैच कैन हेल्प यूज रीच मोर शॉपर्स वाइल स्टिल अलाइंग फॉर ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। अच्छा, वैसे तो हर प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट हमारी टेक्निक होती है कंपेन्स की, लेकिन हम मोस्टली जो यूज करते हैं और ज्यादातर जिसको हम कहते हैं कि हर ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो हम फ्रेज में करते हैं, ताकि हमें उसमें बेस्ट मैच भी होता है, क्लोज मैच भी चीज है वो हमें मिल जाते हैं, कीवर्ड्स भी और एसेंस भी। उसके बाद आते हैं एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट भी अपने नाम से वाजे है कि अगर हमने जो जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने टारगेट किया हुआ है तो एग्जैक्ट अगर वही कीवर्ड कोई लिखेगा तभी हमारी प्रोडक्ट गेट होगी, तभी हमारा कीवर्ड गेट होगा, हम हमसे कटेंगे जो है ना चार्जेस लेगा अमेजोन, अदरवाइज जो वो नहीं लेगा। लेट्स सपोज अगर मैंने लिखा हुआ है प्लास्टिक कप और अगर कोई आगे सर्च करता है कॉफी कप, तब मेरी प्रोडक्ट शो नहीं होगी एग्जैक्ट फ्रेज एग्जैक्ट कंपेन के अंदर। अगर मैंने फ्रेज में चलाया तब शो हो जाएगी, ब्रॉड में चलाया तब भी शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। विद एग्जैक्ट मैच फॉर अमेजोन एडवर्टाइजिंग द कस्टमर सर्च टर्म नीड्स टू एग्जैक्टली मैच द कीवर्ड फॉर योर एड टू अपीयर। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि कंपेन बनाते कैसे हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली तो ये एक जनरल सा मेथड दिया हुआ है, लेकिन सेलर सेंटर पे हम जाते हैं तो फिर देखते हैं कि हम इसको किस तरह जो है ना वो बनाएंगे। कंपेन बनाने से पहले हम उसके कीवर्ड देख लेते हैं, फिर जो है ना हम उसको तो।
जी एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखें, ये हमारी एक शीट थी जिसपे हमने पहले डमी शीट जिसमें हमने वर्क किया था। ये कुछ पीपीसी कीवर्ड इसके निकाले हुए हैं इसी प्रोडक्ट के, क्योंकि हमने इसी पे वर्क किया था। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि हमने जो रेलिवेंसी फाइंड की होती है, बेसिकली हमने इसमें 4 से 5 कॉलम डालते हैं, जिसके अंदर कीवर्ड का कॉलम आ जाता है, रेलिवेंसी का कॉलम आ जाता है, सर्च वॉल्यूम का कॉलम होता है, उसके बाद स्पॉन्सर एसिंस का, और उसके बाद पीपीसी यूजेज का। पीपीसी यूजेज का जो है ना, ये हम खुद बनाते हैं। स्पॉन्सर एसिंस हमने यहाँ से कॉपी करना होता है अपना लिस्टिंग के अंदर से, जैसे लाइक ये दिया हुआ है हमारे पास स्पॉन्सर। ये देखो, ये दिया हुआ स्पॉन्सर एसिंग का, ठीक है, जो हम शीट डाउनलोड करते हैं उसके अंदर ये ऑप्शन होता है। जी, इसमें किस तरह सुंदर बढ़ेगी, हमारी प्राइस किस तरह बढ़ेगी, या ये डिपेंड कर रहा होता है कीवर्ड के ऊपर, और ये भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जब हम कंपेन बनाएंगे। अभी पहले हम एक कीवर्ड को देख लेते हैं। जी, यहाँ पे हम बेसिकली ये रेलिवेंसी हमने शीट में फाइंड की होती है, जो कि ऑलरेडी हमने लिस्टिंग की थी, वो उसी की हमने कॉपी की, उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी, देन स्पॉन्सर एसिन भी, और उसके बाद पीपीसी यूजेज, ये जो हमने न्यू बनाना होता है। अच्छा, अब हमने इसको किस तरह बनाना है ये पहले ये देखते हैं। तो क्योंकि हमारे सामने रेलिवेंसी होती है, हमने उस कीवर्ड को एनालाइज करना होता है कि ये सेमी रेलिवेंट है, इसको हम फ्रेज पे चलाएंगे तो इस, लेट्स सपोज अगर कोई सर्च करता है कुकिंग स्टीमर फॉर कुकिंग, सॉरी बैम्बू स्टीमर फॉर कुकिंग, ठीक है, तब हमारा प्रोडक्ट शो होगा अगर हम फ्रेज पे चलाते हैं। अगर कोई कहता है बास्केट स्टीमर फॉर कुकिंग, तब भी शो हो जाएगा। अगर कहता है स्टीमर फॉर कुकिंग बैम्बू लिख देता है कोई, या फूड स्टीमर फॉर कुकिंग लिखता है और फ्रेज में हम चला रहे हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट गेट हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको फ्रेज में लिख देते हैं। अच्छा, लाइक एग्जैक्ट में अब हमने क्यों लिखा है कि अगर लेट्स सपोज, क्योंकि सेमी रेलिवेंट है, सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तब हम इसको उसमें क्यों चलाएंगे कि एग्जैक्ट अगर कोई इस तरह का कीवर्ड हमें जो है ना वो कोई सर्च करता है, तो हमारी प्रोडक्ट लास्ट में शो हो, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब हमने इसको कंपेयर करना है स्पॉन्सर एसिंग के साथ। जब भी हमारी प्रोडक्ट न्यू होती है तो हम उसको जो है ना वो स्टार्ट पे लेके चलते हैं कि जितने स्पॉन्सर एसिंग कम हो सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। स्पॉन्सर एसिंग बेसिकली बता रहे होते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने लोगों ने बिडिंग की हुई है, यानी कि कंपेन चलाई हुई है, यानी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट 472 एसिंग्स हैं जिन्होंने कंपेन चलाई हुई है, इसके अगेंस्ट 360 हैं, 68, इसके अगेंस्ट 366, इसी तरह हम नीचे आते जाएं, ये इसके अगेंस्ट 177, और ये हमारा सुपर एलिमेंट भी है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, हमने इनमें से कीवर्ड चूज करने होते हैं, इनमें से कुछ एक चूज किए हमें, बाकी एक कंसेप्ट दिया हुआ है आपको कि कुछ हमने इस तरह के जो है ना वो करनी है। अब जैसे ये देखें डिम सिम बम्बू स्टीमर, इसका आप ये देखें ये सुपर एलिमेंट है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम 111 है, तो इसको अगर हम फ्रेज में चलाएंगे तो आई थिंक कुछ हमें रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये देखें कि हमने बैम्बू स्टीमर पे ऊपर हमने ये स्टार्ट में देखें बैम्बू स्टीमर, इस पे हमने एग्जैक्ट और फ्रेज चलाया हुआ है, तो अगर कोई ये सर्च करता है डिम सिम बैम्बू स्टीमर सर्च करता है, तब हमारी प्रोडक्ट लास्ट में शो होगी, इंस्टेड ऑफ कोई सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म ना हो हमारी। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे होता स्टीमर्स होता और हमने स्टीमर लिखा होता, तब हमारी प्रोडक्ट शो ना होती इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो इसमें ऐसी आई है इसका जो है ना फर्क। अब पहले तो ये होता था कि अमेजोन सिंगुलर प्लूरल को नहीं देखता था, लाइक फ्रेजिंग को देखता था, तो लेकिन अब ये होता है कि सिंगुलर प्लूरल भी उसकी एल्गोरिथम में गेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये चंद एक कीवर्ड्स हैं जो कि हमने ये इसको हमने किया है, निकाला है पीपीसी के लिए। जी, अब मैं ये इसको ब्लैंक को हटा देते हैं हम। अच्छा, अब ये कीवर्ड्स हैं ऑलमोस्ट कोई हमारे पास 20 कीवर्ड्स हैं जिन पे हमने कंपेन चलानी है, डिफरेंट कंपेन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी देखें इसमें एग्जैक्ट प्लस फ्रेज लिखा हुआ है कईयों में, और कईयों पे फ्रेज और ब्रॉड और अकेला फ्रेज या एग्जैक्ट है। तो जहाँ पे एग्जैक्ट प्लस फ्रेज है, उसमें आप एक तो ये है कि टेस्टिंग कर सकते हैं कि लाइक दोनों में आपने चला दिया, फ्रेज में भी गेट हो रहा है और एग्जैक्ट में भी। उसमें ये होगा कि एग्जैक्ट में अगर कोई आया है, एग्जैक्ट अगर किसी ने टाइप किया है, तब तो एग्जैक्ट में ही शो होगा, और अगर किसी ने फ्रेज में किया है, इसके अलावा कोई वर्ड आ रहा है साथ, तो वो फ्रेज में शो होगा, एग्जैक्ट में शो हमारे मतलब हमें हम
हमसे जो है ना अमेजोन चार्ज नहीं करेगा। इसी तरह बाकी हैं, तो आपकी ये प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कंपटीशन क्या है या बाकी स्टैट्स क्या हैं, फिर हमने उसके या स्पॉन्सराइजिंग क्या है, फिर उसके अगेंस्ट जो है ना हमने फ्रेज या उस पे ब्रॉड पे चलाना होता है या एग्जैक्ट पे चलाना होता है। उसके अलावा हमने इस कीवर्ड के अगेंस्ट फ्रेज या एग्जैक्ट पे बिडिंग भी चेक करनी होती है कि लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट एग्जैक्ट पे हमें बिडिंग दे रहा है 0.60 और फ्रेज पे दे रहा है 0.61 दे रहा है लेट्स सपोज, तो हम प्रेफरेबली एग्जैक्ट पे जाएंगे ठीक है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर कीवर्ड के अगेंस्ट डिफरेंट हो सक हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिफरेंट हो सकती है, हर कीवर्ड के अगेंस्ट भी डिफरेंट हो सकती है हमारी टेक्निक जो है ठीक है। तो ये तमाम डिपेंड कर रहा होता है अपनी आपकी कांस्टेंट लर्निंग के ऊपर कि आप इसको किस तरह चलाते हैं या किसी भी कीवर्ड को आप किस तरह एनालाइज करते हुए इसको चलाते हैं ठीक है। ये तो है एक डमी जो कि हम ऑलरेडी जो है ना वो क्रिएट जो है ना इस पर वर्किंग कर चुके हैं ठीक है। अब मैं आपके साथ एक और शीट शेयर करता हूँ जिसके अंदर जो अभी हम कंपेन मैनेज करेंगे बनाएंगे और उसके अंदर जो है या जो है ना हम ऑलरेडी बनी हुई कंपेन के अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो वो हम किस तरह करते हैं। जी ये ऑलरेडी जो लिस्टिंग हुई पड़ी है ये उसकी लिस्टिंग है, ये जो ऑलरेडी हमने यूज की हुई है उसका पोर्शन है, और ये जो न्यू हमने ऐड करने हैं ये उनका पोर्शन है। इसी तरह ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं और ये डिफरेंट वेरिएशन और ये है ना प्रोडक्ट है जी। स्पॉन्सर एसिंग बेसिकली किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट जो पहले से प्रोडक्ट टारगेट हो रही है जिन्होंने पीपीसी चलाई हुई है यानी कि कंपेन चलाई हुई है तो उसको हम जो है ना स्पॉन्सर एसिन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया तो जो एसिन होता है वो अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट की कंपेन चल रही होती है यानी कि वो एसिन वो दिखाता है कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने जो है ना वो एसिन वर्किंग पे हैं यानी कि जिनपे बिडिंग वगैरह हो रही है। अब हम चलते हैं सेलर सेंटर पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल कंपेन हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ से हम एडवर्टाइजिंग में आएंगे, यहाँ से कंपेन मैनेजर इसको हमने ओपन कर लिया। अब ये देखें कंपेन मैनेजर में डिफरेंट ये दे रहा है ऑप्शन ए प्लस कंटेंट मैनेजर का, इसको आप स्किप करें, इसको मैं बाद में बताता हूँ। ये वाइन प्रोग्राम, तो बेसिकली ये होता है कि न्यू जो प्रोडक्ट होती है उसके लिए चंद एक आपको रिव्यू लेने होते हैं स्टार्ट में, और उसके बाद जो है ना ये वाइन प्रोग्राम में आप अपेयर होते हैं, ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसमें अमेजोन आपसे ऑलमोस्ट अप टू $60 तक शायद चार्ज करता है, उसकी प्राइसिंग चेंज होती रहती है। तो उसके बाद जो है ना ये ऑफर करता है डिफरेंट जो है ना उनको जो बायर्स आते हैं उनको आपकी प्रोडक्ट शो करवाता है और आपकी जो है ना स्पेसिफिक सीजन के अंदर जो है ना आपकी प्रोडक्ट टॉप पे दिखाता है ठीक है। तो आपसे इतना चार्ज करता है लेकिन इसकी चार्जिंग डिफरेंट भी होती है। उसके बाद डील्स हैं, ये आप डील लगा सकते हैं, ये इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है कि आप लेट्स सपोज एक जो है ना प्रोडक्ट है उसके साथ अगर आप एक फ्री दे रहे हैं या अगर कोई 10 बाय करेगा तो 2 फ्री होगी या इस तरह की जो है ना डील्स टाइप जो है ना वो आप कंपेन से ला सकते हैं इस पे। उसके बाद वाउचर, आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, देन आप प्राइम पे सेल कर सकते हैं, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे सकते हैं, उसके बाद प्रमोशन चला सकते हैं आप। सबसे पहले हम कंपेन मैनेजर को देखेंगे कि हम कंपेन मैनेजर में जाके किस तरह एडवर्टाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, देन फिर हम बाकियों को भी एक ओवरव्यू करेंगे ठीक है। उसके बाद ये आपको ए प्लस कंटेंट मैनेजर बेसिकली आपको होता है जो भी आपका ब्रांड अप्रूव होता है उसको जो है ना ये ऑप्शन दिया जाता है ए प्लस कंटेंट मैनेजर का, और जहाँ पे जो है ना वो अपनी इनहेंस ब्रांड कंटेंट जो है ना यानी कि इसको हम कहते हैं वो इनहेंस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं EBC, तो वो जो है ना आप लगा सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था रिसर्च के लेक्चर्स में कि इनहेंस ब्रांड कंटेंट या EBC क्या होता है। अच्छा ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ से हम क्रिएट कंपेन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम। ये हमारे पास तीन जो है ना आ रही होती हैं कंपेन टाइप्स। सबसे पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं और एसएम टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं उसको, हम वो करते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर हम अपना ब्रांड टारगेट करते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर हम वीडियो टारगेटिंग करते हैं, वीडियो जो होती है ना हमने बनाई हुई उसको हम एडवर्टाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे हम नेम देना है, वो कोई भी नेम होगा वो, क्योंकि जब भी हम किसी का वर्क कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट का या किसी का भी
या अपना खुद का ही अगर लेट्स सपोज लॉन्च है उसकी वर्क करें, तो हमने कुछ यूनिक सा नेम रखना होता है ताकि हमें याद रह जाए बाद में किसके लिए हमने रखा था। लाइक अगर मैं जिस तरह का नेम रखूँ ECM स्टार्ट में एकॉमर्स के नाम से, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम कैंडी सोफा, ठीक है कैंडी सोफा भी लिख सकता हूँ, CS भी लिख सकता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह आप इसको लिखते हैं। उसके बाद मैं लाइक लिख देता हूँ 3+2 सीटर है, तो मैं इसको 3+2S कर देता हूँ। और उसके बाद ये अगर मैंने ऑटो चलानी हो बीच में, अच्छा उसके बाद लाइक मैंने अगर ऑटो चलानी है तो यहाँ पे मैं ऑटो लिख दूंगा, अगर मैंने मैनुअल चलानी है तो यहाँ पे मैं कीवर्ड और उसके बाद जो है ना ये लिख दूंगा कि कौन सी मैंने चलानी है, यानी कि ब्रॉड चलानी है, फ्रेज चलानी है या एक्सेप्ट चलानी है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम ऑटो को देखते हैं, यहाँ से मैंने ऑटो लिखा है। उसके बाद ये आपकी स्टार्ट डेट है, एंड डेट कोई नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते होते ताकि हम उसको बाय मैनुअली देख रहे होते हैं। उसके बाद डेली बजट के लेट्स सपोज जिस भी प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं, कीवर्ड कर रहे हैं टारगेट या प्रोडक्ट टारगेट करें, तो आपका डेली बजट इतना जो है ना वो लगना चाहिए, लेट्स सपोज $5 या 5 पाउंड या 3 पाउंड या 10 पाउंड, जितना भी आपका बजट है डेली बजट। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी आपने बिडिंग सेट की है तो आपको उसके अगेंस्ट जो है ना प्रोडक्ट आपकी दिखाना शुरू कर देगा अमेजोन उसके एल्गोरिथम। जब आपका बजट पूरा हो जाएगा आपकी, यानी कि जो आपका टारगेटेड डेली बजट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे मैंने 10 टाइप किया है, 10 डेली बजट है मेरा, और मैंने कंपेन चलाई है और उस हर कीवर्ड के अगेंस्ट या हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, यानी कि एसिन के अगेंस्ट मैंने रख दिया $2 बजट, यानी कि एक क्लिक को मेरे दो जो है ना डॉलर या पाउंड जो है स्पेंड हो, तो क्या होगा टोटल 5 जब क्लिक आ जाएंगे तो मेरा बजट खत्म, मेरी कंपेन ऑफ हो जाएगी। ठीक है तो बेसिकली ये इसका मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 5 सेट कर देता हूँ। उसके बाद ये आया था ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैनुअल। ऑटोमेटिक में ये कि अमेजोन ने खुद हमारी प्रोडक्ट शो करवानी है, जो भी उसकी जो है ना कंपेन होगी वो खुद मैनेज कर रहा होगा अमेजोन, और हमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो दिखाएगा अगेंस्ट डिफरेंट कीवर्ड और अगेंस्ट डिफरेंट एसेंस, यहाँ से हमें वो देखना है। तो हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग, उसके बाद ये आपके पास 3 स्ट्रेटेजीज आ रही होती हैं, कंपेन स्ट्रेटेजीज भी कहते हैं इसको। उसमें है डायनेमिक बिड ओनली, डाउन ओनली, डायनेमिक बिड्स, अप एंड डाउन और फिक्स बिड्स। डाउन ओनली में क्या होता है कि आपने जो किसी भी कीवर्ड या किसी भी आपने प्रोडक्ट के, यानी कि एसिन के अगेंस्ट आपने कोई बिड सेट कर दी, लेट्स सपोज 0.50 कर दी है, तो डाउन ओनली सेट किया है तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट या आपकी एसिन पे आता है या आपका एसिन कहीं शो होता है अगेंस्ट किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो अगर उस कीवर्ड का अगेंस्ट या उस एसिन का अगेंस्ट अगर शो होता है और उसकी जो प्राइस है वो 0.49 है, ठीक है तो ये शो करा देगा, 48 है तब भी शो करवा देगा, ठीक है 20 है तब भी शो करवा देगा, 10 है तब भी शो करवा देगा, आपसे सिर्फ उतना ही चार्ज करेगा जितना उस कीवर्ड या उस एसिन का जो है वो बजट होगा। ठीक है अगर लेट्स सपोज इससे ज्यादा वाला कोई आता है, अगर किसी कीवर्ड का है 0.51 है और आपने बिडिंग सेट की 0.50 पे, तो जो आपकी प्रोडक्ट ये नहीं दिखाएगा। ठीक है अच्छा इसके बाद है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में ये होता है कि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा चाहे उसका ज्यादा हो बजट चाहे उसका कम हो उस कीवर्ड या उस एसिन का बजट। ठीक है उसके बाद फिक्स है कि लेट्स सपोज अगर आपने फिक्स बिड चला दी है तो आपने लेट्स सपोज अगर आपने 0.20 रखी है और अगर किसी कीवर्ड की जो है ना या किसी एसिन की बिड है 0.19, तो इसने 0.20 ही चार्ज करना है। ठीक है अगर उसकी है 0.01 या 0.10 है तो इसने 0.20 ही चार्ज करना है, कम वाले पे तो उतना चार्ज करेगा ज्यादा वाले पे तो ये दिखाएगा ही। ठीक हो गया अच्छा उसके बाद ये आ जाते हैं एड ग्रुप नेम। बेसिकली कंपेन एक कंपेन है उसके अंदर हम डिफरेंट एड ग्रुप भी रख सकते हैं, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि एक कैंडी सोफा है और इसकी जो है ना 3+2 वेरिएशन है, एक 3 सीटर है, एक 2 सीटर है और एक सिंगल आर्म चेयर है, तो मैं जो है ना इन तमाम की कंपेन जो इसी जो है ना एड ग्रुप एक कंपेन बनाता हूँ और इसी के अंदर डिफरेंट एड ग्रुप बना दूंगा। ठीक हो गया मैं इस तरह भी कर सकता हूँ लेकिन हर प्रोडक्ट का अलग अलग भी कर सकता हूँ, वैसे तो रिकमेंड यही है कि आप हर प्रोडक्ट का अलग अलग करें ताकि अगर आपको कोई एक कंपेन आपकी ज्यादा बजट खा रही हो तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करते हुए थोड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप जैसे ये देखें ये कंपेन है, उसके बाद यहाँ पे अभी तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ पिछले रेंज में, जी अच्छा आप ये देखें
ये आपके पास मैनेजर है, ठीक है, इसको कंपनी मैनेजर भी कहते हैं हम, उसका डैशबोर्ड, ठीक है। ये क्यों नहीं दिखा रहा, आई थिंक 30 जून तक तो ऊपर तो दिखा रहा है, ये भी यहाँ भी क्यों नहीं दिखा रहा, यहाँ से इसको करते। ये देखें, वो ऊपर वाली जो कंपेन है वो पहले की मसोरी बाद की बनाई है हमने, इस वजह से जनाब वहां उस पर रिजल्ट शो नहीं करवा रहा। अच्छा ये देखें, तो इसमें क्या, ये आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि ये कीवर्ड है, जैसे ये ऑलरेडी बनी हुई है उसके, सॉरी ये कंपेन है, इसकी जो है ना स्टैट्स ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। इसको मैं एक सेकेंड, ये देखिए आपको बता रहे इम्प्रेशन इस पे ये आए हुए हैं, 11,000 समथिंग इम्प्रेशन है, 5% यानी इसका टॉप ऑफ सर्च वॉल्यूम है, इतने इस पे क्लिक हुए हैं, ये इस पे स्पेंड हुआ है, इतने ऑर्डर आए हैं, ये स्पेंड सेल हुई है इसकी, ये इसकी कॉस्ट आ रही है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो होती है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है 30%, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपको मैनेज करना इजी होता है। लेट्स सपोज अगर किसी की कॉस्ट आ रही है 100%, 70%, 200% आ रही है, तब आप एक ही कंपेन को ओपन करके उसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जबकि अगर आपके एक कंपेन के अंदर डिफरेंट एड ग्रुप होंगे तब आपको प्रॉब्लम होगा कि हर एड ग्रुप को अलग से मैनेज करना, ठीक है। वो तो टोटली अगर लेट्स सपोज किसी एक की 10% आ रही है, दो की 50% है, तो आपका टोटल जो है ना वो 30% या 35% शो करा रहा होगा, तो आपको जो है ना वो वहां पर से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर कंपेन हर एड ग्रुप के साथ चलाएं आप, जरूरी नहीं कि एक कंपेन और उसके अंदर सारे एड ग्रुप आप चला दें, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यानी कि सर्च करना है अपनी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से डायरेक्टली चले जाता हूँ, अगर मैं 3+2 की चला रहा हूँ, ये 3+2 का ऐसी ने बेसिकली ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए इनएक्टिव है, तो मैं यहाँ से जाके इसको सर्च करता हूँ, ये देखिए मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है सिंपली। इसके बाद इसकी जो सेकंड वेरिएशन है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड वेरिएशन भी कर सकते हैं, उसमें क्या होगा कि इससे प्रोडक्ट से जितनी भी वेरिएशन, लेट्स सपोज 8 वेरिएशन, वो सारी ऐड हो जाएंगी। मुझे सिर्फ दो चाहिए थी, तो इसलिए जो है मैंने सिर्फ बाय मैनुअल जाके किया। अच्छा उसके बाद यहाँ से आपने डिफॉल्ट बिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कि आपने डिफॉल्ट बिड कितनी करनी है, ये इन दोनों के दरमियान बता रहा है आपको। अगर आपने नहीं सिलेक्ट करनी तो कोई मसला नहीं है, अमेज़न उसको खुद टारगेट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाए हम नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। इसमें ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने ऑटो चलाई हुई है और आपने मैनुअल के अंदर भी कुछ कीवर्ड चलाए हुए हैं, और आप चाहते हैं कि अगर ऑटो के अंदर वो कीवर्ड आए तो ऑटो की तरफ से आपको अमेजोन चार्ज ना करे, जबकि मैनुअल के अंदर आप खुद जो है ना उसको चार्ज करवा रहे हैं, यानी कि आप उस पर ब्लीडिंग कर रहे हैं, तो आप उसको नेगेटिव में डालेंगे तो बेसिकली उस कीवर्ड या उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ऑटो कंपेन के अंदर अमेजोन आपसे चार्ज नहीं करेगा, शो ही नहीं करवाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप एसिन डाल सकते हैं प्रोडक्ट का, सॉरी कीवर्ड, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का एसिन भी डाल सकते हैं जिसको आपने नेगेटिव में रखना है। उसके बाद देन यहाँ से आपने लॉन्च कम्पेन पे क्लिक करना है, आपकी जो है ना कम्पेन लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब हम ये नेम अपना अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, उसके बाद यहाँ से हम मैनुअल टारगेटिंग में आ जाते हैं। जी सेम उसी तरह डायनेमिक डाउन ओनली हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये एड ग्रुप देंगे, फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट की, यहाँ से कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहले जो ऑटो में था उसमें ये था कि अमेजोन को हमने अपनी प्रोडक्ट बता दी है, अमेजोन वो प्रोडक्ट अमेजोन ने शो करवानी है, अमेजोन हमें डिफरेंट कीवर्ड्स के आगे भी शो करवाएगा और डिफरेंट एसेंस के आगे भी शो करवाएगा, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आगे जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली जो एसिन और प्रोडक्ट है ये सेम ही चीज होती है, तो मोस्टली ये होता है मैं कभी प्रोडक्ट कह देता हूँ कभी एसिन, तो दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एसिन या प्रोडक्ट भी टारगेटिंग करते हैं, यानी कि किसी एसिन को पकड़ लिया, हमने देखा कि इसका रेवेन्यू ज्यादा है, हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, हमने उसको टारगेट कर दिया, तो जब भी कोई बायर उसको ओपन करेगा उसको साथ सजेशन में हमारी प्रोडक्ट भी शो हो रही होगी, तो बेसिकली जो उस पर सिलेक्ट करेगा वो हमें बिडिंग पड़ रही होगी, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। अच्छा अब ये कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग में हमने मैनुअल में है, हमने खुद कीवर्ड यहाँ पे पुट करने हैं,
अच्छा यहाँ पे हम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमने देखना है फिल्टर बाय कि हमने ब्रॉड जो है वो चलानी है, फ्रेज चलानी है या एग्जैक्ट चलानी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने फ्रेज चलानी है, मैंने दोनों को अनचेक किया, फ्रेज सिलेक्ट किया, देन मैं ये एंटर लिस्ट पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैंने अपने कीवर्ड्स पुट कर देने हैं। लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड्स पे चलानी है 3 प्लस 2, और मैंने एग्जैक्ट पे चलानी है, और सॉरी फ्रेज पे। यहां से मैं सिर्फ फ्रेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फ्रेज और ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए, इसको कॉपी किया हमने। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के बाद जब मैं इसको ऐड कीवर्ड करूंगा, अब ये देखें यहाँ पे जो है ना ये मुझे सजेस्टिव बिट दिखा रहा है। ये देखो ऊपर सजेस्टिव बिट आ रही थी, यहाँ से मैं अपनी कस्टम बिट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिफॉल्ट बिट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ से इसने सजेस्टिव बिट जो थी इसकी वो उसने दिखा दी। अब इसकी जो बिडिंग, इसका रेट जो स्टार्ट हो रहा है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, वो 0.25 से स्टार्ट हो रहा है और 4.6 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसके दरमियान का इसकी सजेस्टिव बिट बनी थी 0.34, जो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ये मेरे डिपेंड कर रहा होता है। और हर कीवर्ड की ये देखेंगे आप डिफरेंट आ रही है बिडिंग यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बिडिंग सिलेक्ट की, देन नेगेटिव कीवर्ड सेम वही। तो अगर आपने मैनुअल में कहीं और भी आपने टारगेट किया हुआ मेन कीवर्ड या कोई भी कीवर्ड, और आप चाहते हैं कि मैं मेरा इस जो है ना कंपेन के अंदर वो टारगेट ना हो, तो आप यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने लॉन्च कंपेन, आपकी कंपेन लॉन्च हो गई। ठीक है, इसी तरह ब्रॉड और एग्जैक्ट, यहाँ से हमने चेक करना होता है कि अगर ये फ्रेज में ये आ रहे हैं, अगर लेट्स सपोज यही मैं डालता हूँ एग्जैक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये देख लें, अब ये एग्जैक्ट वाले ऊपर आ गए, फ्रेज वाले नीचे। अब आप ये देख लें इनमें बिडिंग एग्जैक्ट की ज्यादा है या फ्रेज की ज्यादा है। जैसे 3 प्लस 2 सीटर सोफा सेट एग्जैक्ट का है 0.31, ये फ्रेज में 0.34 दे रहा है, इस पे कम दे रहा है एग्जैक्ट पे और इस पे ज्यादा दे रहा है, तो मुझे मैं जो है वो एग्जैक्ट के साथ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं फ्रेज के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन ये आपके उस पर डिपेंड कर रहा होता है, जो भी जिस टेक्निक के साथ भी आपने रैंक करवाना है। इसके बाद ये सेकंड कीवर्ड, इसकी बिडिंग आ रही है 0.24 सजेस्टिव बिड, और यहाँ पे इसकी आ रही है 0.28, तो मैं 0.24 के साथ जाना पसंद करूंगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे सेम कीवर्ड के साथ आप ब्रॉड के साथ भी चेक कर सकते हैं, तीनों का कंपेरिजन कर सकते हैं आप। ये देखें अब ब्रॉड के अंदर सबसे कम आ रही है इन चारों की, तो मैं फिर अब ब्रॉड को रिकमेंड करूंगा। लेकिन ये आप पर डिपेंड कर, जैसे मैंने आपको कहा कि हम मोस्टली फ्रेज के साथ जाते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है हर प्रोडक्ट पे और हर कीवर्ड के अगेंस्ट हम किसको किस तरह यूज कर रहे हैं। हम दोनों पे मतलब जा सकते हैं, यानी कि फ्रेज में भी जा सकते हैं, एग्जैक्ट में भी जा सकते हैं, और वो किस तरह वर्क करेगा वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे आके लॉन्च कंपेन। अच्छा अब हम चलते हैं कि प्रोडक्ट टारगेटिंग हम किस तरह करेंगे। यहाँ से हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट की है, यहाँ से सजेस्टिव दे रहा है कि आपकी ये कैटेगरी बनती है। अब इस पूरी कैटेगरी को जो है ना वो टारगेट कर लें। जैसे लेट्स सपोज मैं इस कैटेगरी को टारगेट कर लेता हूँ, तो ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे आऊंगा मैं, और उसके बाद ये एंटर लिस्ट। अच्छा ये सजेस्टिव सजेस्ट में भी दे रहा होता है कि आप इस प्रोडक्ट को टारगेट कर लें। आप यहाँ से भी प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। ये किसके अगेंस्ट सजेशन दे रहा था जो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किए हुए हैं। अच्छा अब यहाँ से जो है वो एंटर लिस्ट में है, यहाँ पे आके आप अपने आप एसेंस भी पुट कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी लिस्ट भी दिखाता हूँ जो जो कि सिर्फ एसेंस की है। जी ये देखें ये मेरे पास एसेंस है जो मैंने डालने हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, यहाँ पे मैंने आगे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये देखें ये हर कीवर्ड के अगेंस्ट सॉरी हर एसेंस के अगेंस्ट, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसने मुझे ये बिडिंग दिखा दी है सजेस्टिव। ठीक है, यहाँ से मैं बाय मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ, अगर मेरे पास मार्जिन है तो मैं इसी के साथ जो है वो जा सकता हूँ। उसके बाद ये नीचे देखें इसके अंदर ऑप्शन आता है एक्सक्लूड ब्रांड्स और एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, नेगेटिव के अंदर तो आप यहाँ से किसी ब्रांड को भी टारगेट कर सकते हैं कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट में मेरी प्रोडक्ट शो ना हो,
उसके सजेशन में, या इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट जो है वो शो ना हो, तो यहाँ से सिंपली जाके आपने लॉन्च कंपेन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, अब हमने अपनी कंपेन्स क्रिएट करनी है। अब हम देखते हैं जो ऑलरेडी कंपेन क्रिएट हुई है उसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली हम डेट ट्रेंड सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जी यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कैंडी। अच्छा, ये मेरे पास चार कंपेन्स आ रही हैं, चार ही प्रोडक्ट हैं, चार ही कंपेन्स आ रही हैं। मैं इन सबको ओपन कर लेता हूँ अलग अलग, ठीक है। ये एक एक, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक ऐड ग्रुप है। अच्छा, ये आपको दे देखें, जब आप ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये आपको बता रहा होगा ये आपने दो प्रोडक्ट जो है ना वो इसमें आपने सेलेक्ट किए। यहाँ पे इनएलिजिबल दिखा रहा है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये आपको डिलीवरिंग दिखा रहा है क्योंकि ये इन स्टॉक है, प्रोडक्ट इन स्टॉक है। ये आपको इनएलिजिबल दिखा रहा है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसी तरह ये आपको एक इनएलिजिबल है, एक आउट ऑफ स्टॉक है, और एक जो है वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइड पे ऑप्शन है टारगेटिंग का, नेगेटिव का, सर्च टर्म्स का, एड ग्रुप का और हिस्ट्री का। आपने टारगेटिंग में चले जाना है, टारगेटिंग में जाएंगे जो आपने ऑलरेडी टारगेट किए हुए हैं, ये उस जो है ना वो दिखा रहा है आपको, वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जो हमने ऑलरेडी टारगेट किए हुए हैं। और ये आपको मैच टाइप दिखा रहा है कौन सी कंपेन है, फ्रेज वाली है। ऊपर देखें ये फ्रेज वाली लिखा है एमके सोफा, ठीक है, ये आपको वहां से बता रहा है क्योंकि मैंने मोस्टली इस पे कंपेन्स ही जो है ना फ्रेज वाली चलाई हुई, तो यहाँ पे फ्रेज वाली चला रहा है। ये देखें ये भी फ्रेज में है, ये भी फ्रेज में है, ये भी फ्रेज में है, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे अब चलानी है एग्जैक्टली लेट्स सपोज चलानी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स जो है वो अलग कैंपेन बनाऊंगा, उसके अंदर एड ग्रुप ऐड करूंगा एग्जैक्ट का, फिर मैं उस पर चला दूंगा। अच्छा, अब मैंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके अंदर मैंने किस तरह ऐड करनी है, कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं। अच्छा, अब ये सिंपली आर्मचेयर कैंडी, आर्मचेयर है ये, यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मैंने बताना है कौन से कीवर्ड करने हैं, मैंने फ्रेज के करने, लेट्स सपोज फ्रेज सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने अब अपने वो देने आर्मचेयर, यहां से मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रेज, मेरे पास ये फ्रेज के हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा यहां से, देन यहाँ पे पेस्ट, ये ऐड कीवर्ड्स, इसको हम देख लेते हैं इसने एरर दिया है। अच्छा, अब ये देखें जो कीवर्ड ऑलरेडी एडिट है, हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, वो दे रहा है कि ये कीवर्ड ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड हुए पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं लॉन्चर, अच्छा अब हम लेट्स सपोज ये दो कीवर्ड्स हैं, हमने इसकी बिडिंग सजेस्टिव बिड के साथ जाने देते हैं, इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। ये दो कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो गए, सोफा चेयर और ये लाउंज चेयर, ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह ऐड हो जाएंगे। अगर मैंने कोई और कीवर्ड्स ऐड करने होंगे तब दोबारा मैं इसी तरह जाऊंगा और ये एंटर लिस्ट यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ये दोनों बैक हो जाएंगे। ये देखिए ये कह रहा है कि ऑलरेडी जो है ना वो ऐड किए हुए हैं मैंने, ठीक है। हम इसको यहां से देख लेते हैं, ये देखें ये आर्मचेयर फॉर लाउंज ऐड हुआ पड़ा है,
उसके बाद ये आर्म चेयर ऐड है, ब्लैक फॉक्स लेदर सोफा है, फॉक्स लेदर ये ऐड है, लेकिन फॉक्स लेदर भी इसको ऐड करना चाहिए। तो ये आई थिंक कोई एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह जाना हम इसके अंदर कीवर्ड जो है वो डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब इससे रेलिवेंट भी आपका क्वेश्चन है कंपेन्स वगैरह से, तो आप मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ये अपना वाइन प्रोग्राम कैसे देखते हैं इसको, हम डील्स को, वाउचर्स को और प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स को और प्रमोशंस कैसे बनाएंगे, हम नेक्स्ट सेशन में वो देखेंगे। और उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट देखेंगे इसकी, कि हम इसको अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं। अब तक कोई आपको क्वेश्चन है आज के सेशन से तो मुझसे पूछ लें आप। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे हम बैम्बू स्टिमर ही सिलेक्ट करते हैं। जी, अब ये देखें ये टॉप पे जो शो हो रहे हैं ये इन पे कंपेन से लीनी है। ठीक है, ये स्पॉन्सर के साथ शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं लेट्स सपोज इसको मैं ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट टैब में। अच्छा अब ये देखें, ये बाय इट विद के इसके साथ आ रहा है, ये इसकी सजेशन आ रही है, ये एक दो ये बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, जो ये जो सेलर्स हैं ये वो बैठे हुए हैं। उसके बाद ये देखें ये सजेशन में आ रहा है, ये जितने भी आ रहे हैं इन्होंने प्रोडक्ट टारगेटिंग की भी है। इसी तरह ब्रांड टारगेटिंग भी इसी तरह होती है, वो भी ऐसे ही शो होता है। ये देखें कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, ये भी सेम वही चीज प्रोडक्ट टारगेटिंग हुई है। ठीक है, ये भी ये देखें, ये देखें ये वीडियो टारगेटिंग में इस ब्रांड को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, ये देखें ये रिलेटेड फ्री डिलीवरी विद ऑन एलिजिबल ऑर्डर्स। ठीक है, ये भी इसी तरह जो है ये प्रोडक्ट टारगेटिंग हुई है। तो ये देखें बेसिकली ये है कि ये इसकी जो बिडिंग है कम होगी इसलिए ये नीचे है, ये जो ऊपर टारगेट हो रहे हैं इनकी बिडिंग ज्यादा होगी तो इसलिए ऊपर है। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपकी बिडिंग पे। ठीक जी, और की क्वेश्चन। जी वो होता है बेसिकली बजट होता है, तो जो हमने देनी होती है उसमें वो बेसिकली ये देखें ये बिड आ रहा है। जब हम कोई भी कंपेन बनाते हैं, जब उसके कीवर्ड ऐड किए थे हमने, तो नेक्स्ट पे उसने दिखा दिया था दिस सजेस्टिव बिड, तो वो बेसिकली बिडिंग होती है। अब जो लेट्स सपोज मेरा इस पे बजट है इसके अगेंस्ट $5, तो ये 0.25 पे आप एस्टिमेट कर लें कि ऑलमोस्ट 20 क्लिक्स होंगे इस कीवर्ड के अगेंस्ट प्रेस पे, तब जो है ना मेरे जाके ये बजट एंड होगा। जी, अब ये देखें इसकी बिडिंग सेट की हुई हमने 0.39, इस पे एक क्लिक हुआ है और उसने चार किया 0.26। ठीक है, ये जब कि हमने डाउन ओनली पे लगाया हुआ है कि जिस भी कीवर्ड के अगेंस्ट ये सर्च हुआ है ये फ्रेज, उस फ्रेज का या उस कीवर्ड का जो रेट है वो 0.26 था, इस वजह से जो है उसने इतना चार्ज किया। तो डाउन ओनली का ये फायदा होता है। अब ये देखें 0.34 है डाउन ओनली, अब 12 क्लिक हुए हैं तब जो है जाके इतनी कॉस्ट कटी है, जबकि अगर आप ये देख लें इस कॉस्ट के साथ 12 क्लिक हों तो आई थिंक $4 के करीब करीब जो है ना वो, 4 पाउंड के करीब करीब जो है ना वो हमारी बनती है कॉस्ट। तो ये हर जो क्लिक का, क्योंकि ये फ्रेज में है तो उसका जो रेट है वो उसका कम होगा या जितना भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल दिखा रहा है। तो फ्रेज में हमें जो है ना ये कुछ इस हद तक फायदा होता है या डाउन ओनली बिड पे। जी, थैंक्स लॉट। जी, अब हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।